हेलो नमस्कार दोस्तों, फ्री डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी गणित, जिसमें आप अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर आधारित जो विविध प्रश्नावली थी, इसके विविध उदाहरण कर रहे हैं। तो देखिए, उदाहरण 9वां है, साइन इनवर्स साइन 3π/5 का हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पे यदि हम देखें तो डायरेक्टली हमें लगता है कि साइन इनवर्स से साइन काट दिया जाए तो 3π/5 मतलब 108 अंश उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल नहीं 108 अंश हो सकता है, क्योंकि हमें पता है जो साइन इनवर्स एक्स का परिसर होता है -90 और +90 के बीच होता है। तो यहाँ पे जब 108 आंसर आएगा तो वो परिसर के अंतर्गत नहीं आएगा। तो देखिए, हमने लिखा चूंकि साइन इनवर्स एक्स का परिसर -90 से +90 तक होता है, अतः जो हमारा सवाल था साइन इनवर्स साइन 3π/5, इसमें जो है हम डायरेक्टली साइन और साइन इनवर्स को नहीं काट सकते हैं, क्योंकि 3π/5 मतलब 108 अंश यहाँ पे उत्तर बचेगा और 108 अंश हम उत्तर इसके अंतर्गत नहीं ला सकते हैं। तो देखिए, ऐसी स्थिति में आप क्या करते थे, हमने आपको बताया था, या तो आप जो 108 है इस 108 को आप 180 माइनस थीटा लिख पाएंगे कि 180 प्लस थीटा 360 या 360 प्लस थीटा। तो देखिए, 108 को केवल 180 माइनस थीटा ही लिखा जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि 108 को आप कितना लिख पाएंगे, 180 -72 लिख पाएंगे। तो यहाँ पे यदि हम पाई के रूप में बात करें तो 180 को पाई लिखते हैं। अब देखिए, 72 को कैसे लिखेंगे, तो ध्यान रखना π/5 का मतलब होता है 36। अब 36 दूनी 72, तो यहाँ 2 का गुणा करेंगे तब यहाँ 2 का गुणा होगा, मतलब यहाँ 72 होगा 2π/5। तो हम क्या करेंगे, 180 -72 लिखेंगे। तो देखिए, हमने लिखा साइन इनवर्स और फिर कोष्टक बनाया साइन, और यहाँ पे देखिए जो यहाँ 108 अंश लिख रहा था, 108 अंश को हम 180 -72 लिखेंगे। और यहाँ पे और आगे यदि आप सॉल्व करते हैं तो देखिए, यहाँ पे साइन इनवर्स तो है ही, यहाँ साइन 180 -थीटा वाला फार्मूला बन जाएगा। और चूंकि आपको पता होना चाहिए कि साइन 180 -थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे जो है साइन थीटा आ जाएगा, मतलब यहाँ पे साइन और थीटा मतलब यहाँ पे 2π/5 आ जाएगा। अब देखिए, साइन और साइन इनवर्स आपस में कट जाएंगे तो फिर 2π/5 हमारा उत्तर आएगा, और 2π/5 का मतलब है 72, और 72 इस अंतराल के अंतर्गत आता है, मतलब इस परिसर के अंतर्गत आता है, इसलिए यही हमारा अभीष्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए, अगला 10वां उदाहरण है, दर्शाइए कि मतलब सिद्ध करना है साइन इनवर्स 3/5 -sin-inverse 8/17 का मान जो है बराबर होता है कॉस इनवर्स 84/85। तो देखिए, हमें एलएचएस साइड लेंगे और आरएचएस के बराबर सिद्ध करेंगे। तो देखिए, हमने एलएचएस साइड ले ली है। अब देखिए, साइन इनवर्स 3/5 में से साइन इनवर्स 8/17 को घटाना है। देखिए, साइन वाला हमसे फार्मूला नहीं बनता है साइन को घटाते हुए, तो हम क्या करते हैं, इसे 10 में चेंज कर लेते हैं और फिर इसे भी 10 में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमसे दोनों टेनों को घटाते हुए बन जाता है लेकिन साइन को घटाते हुए नहीं बनता है। तो देखिए, यहाँ पे आप चेंज कर रहे हैं साइन इनवर्स 3/5 को 10 में चेंज कर रहे हैं। तो देखिए, साइन का मतलब होता है यहाँ पे लंबवटीकरण, मतलब यहाँ पे 3/5 तो लंब जी कर्ण हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, आधार आएगा 4। अब हम 10 इनवर्स में चेंज कर रहे हैं, तो 10 होता है लंब बटे आधार, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3/4, तो यहाँ पे हमने लिखा 3/4। अब देखिए, यहाँ पे अब साइन इनवर्स 8/17 को भी हमें 10 में चेंज करना होगा, तो इसके लिए चित्र देखिए, लंब बटे कर्ण मतलब यहाँ पे 8/17, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, आधार आ जाएगा 15। अब देखिए, इसे यदि हम 10 में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 10 इनवर्स, देखिए यहाँ पे लंब बटे आधार होगा, मतलब 8/15 आएगा, तो यहाँ पे 8/15। तो इस प्रकार से इसे हमने 10 में चेंज किया और इसे 10 में चेंज किया।
तो देखिए पीछे हमने कारण भी लिख दिया है, क्योंकि साइन इनवर्स 3/5 को यदि आप 10 में चेंज करेंगे तो इतना आएगा, और साइन इनवर्स 8/17 बराबर आएगा 10 इनवर्स 8/15। तो देखिए बिल्कुल हमने इसके स्थान पे 10 इनवर्स 3/4 और इस साइन को भी 10 में चेंज कर लिया है। अब देखिए 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स वाई वाला फार्मूला बन जाएगा। तो चूंकि आप लोगों को पता होगा कि 10 इनवर्स एक्स में से यदि 10 इनवर्स वाई घटाते हैं तो आंसर क्या आता है, 10 इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 + xy आता है। तो यह फार्मूला आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, 10 इनवर्स एक्स मतलब 3/4 और वाई मतलब 8/15। तो यहाँ पे होता है ऊपर एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई तो एक्स माइनस वाई लिखा, और 1 + x * y मतलब 3/4 * 8/15। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, बटे वाली संख्या देखें तो 15 और 4 है, तो 15 और 4 को हटाने के लिए हमें 15 और 4 का हर एक स्टेप से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे, 3/4 में यदि हम 4 × 15 से गुणा करें तो 4 4 कट गए, 15 * 3 = 45 आएगा। माइनस यहाँ पे देखिए अब 8/15 में यदि हम 4 × 15 से गुणा करें तो यहाँ पे 15 15 कट गए, 8 × 4 = 32 आएगा। फिर देखिए यहाँ, तो यहाँ पे 1 में यदि आप 4 × 15 से गुणा करेंगे तो कुछ भी नहीं कटेगा, 15 × 4 = 60 प्लस। अब देखिए इस संख्या में भी देखिए 3/4 × 8/15 है, इसमें भी हमें 4 × 15 से गुणा करना है, तो 4 कट गए, 15 भी कट गए, 8 × 3 = 24 आ जाएगा। और आगे यदि आप सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 10 इनवर्स, देखिए यहाँ पे इन दोनों को यदि आप माइनस कर देते हैं तो 5 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा, और नीचे यदि हम टोटल कर देते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 में अभी आया है लेकिन हमें कॉस में लाना है, तो कॉस में यदि आप चेंजिंग करते हैं तो कॉस में देखिए कैसे चेंजिंग होगी, यहाँ पे यदि हम बात करें 10 में है, 10 मतलब लंब बटे आधार, यदि हम देखें तो लंब का मान 13 होगा, आधार का मान 84 होगा, यदि आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का मान आपको 85 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे यदि हम चेंज कर रहे हैं कॉस में तो आधार बटे कर्ण लिखेंगे, और आधार का मान 84 है, कर्ण का मान 85 है, तो इस प्रकार चेंज हो जाएगा। और पीछे आप कर्ण लिख देंगे कि चूंकि यहाँ पे 10 इनवर्स 13/84 को यदि आप कॉस में चेंज करेंगे तो कॉस इनवर्स 84/85 आएगा, तो इस वजह से हमने इसके स्थान पे ऐसा लिखा है। तो देखिए हमें पूरा आरएचएस प्राप्त हो चुका है, तो हम कह सकते हैं हमें आरएचएस मिल गया है, तो हमने एलएचएस साइड ली है और आरएचएस मिल चुका है, मतलब यही हमारा सवाल जो है सिद्ध हो जाता है। देखिए अगला उदाहरण 11वां है, दर्शाइए कि साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस 10 इनवर्स 63/16 इन तीनों का योगफल पाई के बराबर होगा। तो देखिए हम एलएचएस साइड लेंगे और आरएचएस के बराबर आंसर लाएंगे। तो देखिए यह है हमारी एलएचएस। अब देखिए यहां साइन कॉस 10 दिए गए हैं, अब साइन में कॉस तो हमसे जोड़ते ही नहीं बनता, हमसे तो केवल 10 का बनता है जोड़ना, तो हम क्या करें, फिर इससे 10 में चेंज कर लें, इससे भी 10 में चेंज कर लें, और बाकी तो यहाँ पे 10 दिया ही गया है, तो हम सबको 10 में चेंज करके यदि सवाल करें तो बहुत आसानी होती है हमें। तो देखिए हम इसे 10 में चेंज करेंगे, तो देखिए आपके पास है साइन इनवर्स 12/13 है, इसे आप 10 में चेंज करना चाहते हैं, आप चित्र पे जाइए तो चित्र देखिए, यहाँ 12/13 है, मतलब यहाँ पे लंब बटे कर्ण होता है साइन, तो यहाँ लंब बटे कर्ण होगा, यदि आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आधार का मान 5 आएगा। अब 10 में आप चेंज कर रहे तो लंब बटे आधार मतलब 12/5 हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर हमें कितना मिल जाएगा, 12/5 मिल जाएगा। यहाँ पे भी यदि हम चेंज करेंगे तो देखिए कॉस इनवर्स 4/5 को यदि 10 में चेंज किया जाए तो क्या मिलेगा, तो देखिए कॉस होता है आधार बटे कर्ण 4/5, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे 3 होगा लंब का मान, अब हम 10 में चेंज कर रहे हैं मतलब लंब बटे आधार, तो 3/4 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ भी 10 में चेंज कर लिया, यहाँ भी 10 में चेंज कर लिया, और जो कारण था वो कोष्टक में आपको पीछे लिखना होगा।
तो देखिए हमने पीछे कारण लिख दिया कि साइन को टेन में चेंज किया तो यह आए, कॉस को टेन में चेंज किया तो यह आएगा। अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, इन दो टेनों को जोड़ेंगे, तीन टेन तो एक साथ हम जोड़ नहीं सकते, तो दो टेन एक साथ जोड़ पाएंगे। तो देखिए यहां पे आप देखेंगे आपके पास टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई के योगफल का यह भी फार्मूला है, और नीचे बताया गया यह भी आपके पास फार्मूला है जिसमें पाई एक्स्ट्रा के रूप में जोड़ा होता है। और ये कब लगता है, यदि x और y जो संख्या है उनका गुणनफल एक से छोटा हुआ तब आप जो है यह फार्मूला लगाते हैं, यदि x y का गुणनफल एक से बड़ा हुआ तो यह आप फार्मूला लगाते हैं। तो देखिए यहां पे तो हम चेक करना चाहेंगे कि हम जिन x और y के बीच लगा रहे हैं उनमें क्या x y का गुणनफल एक से बड़ा है या एक से छोटा है। तो देखिए यहाँ पे हम x इसे मानेंगे और y इसे मानेंगे, तो हम चेक करते हैं x y मतलब 12/5 गुणित 3/4, यदि आप इन्हें काट भी देते हैं तो 4 3 12 हो जाएगा, मतलब 3 त्रिका 9/5 आएगा। अब देखिए 9/5 दशमलव में आप बनाओ तो 1.8 बना, और यहाँ पे जो एक्स वाई है वो आप देख पा रहे हैं कि एक से ज्यादा है, और एक से ज्यादा है इसका मतलब पाई प्लस के रूप में फार्मूला होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि चूंकि हमें पता है टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई का जो फार्मूला होता है क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई तो होता है बटे 1 - xy भी होता है, लेकिन आगे जो है पाई जो है प्लस के रूप में होता है, और कब होता है, जब एक्स वाई का गुणनफल एक से ज्यादा हो, तो यह फार्मूला हमें बताना पड़ेगा। तो यहाँ एक्स वाई का गुणनफल एक से ज्यादा है, मतलब 1.8 आ रहा था, इस वजह से हम पाई प्लस यह फार्मूला लगाएंगे। तो पाई प्लस और फिर होगा यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई होगा, और बटे 1 - x * y होगा, यह फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे एक टेन इनवर्स जो 63/16 है इसको तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि दो टेनों में ही यह फार्मूला लगा पाएंगे। यदि और आगे आप करते जाएंगे तो देखिए पाई प्लस यहाँ टेन इनवर्स, देखिए बटे वाली संख्या 5 और 4 है, 5 4 का गुणा करना होगा हर स्टेप से। तो देखिए 12/5 में हम 5 और 4 से यदि गुणा करेंगे तो 5 कट जाएगा, 12 चौके 48 आएगा, प्लस फिर 3/4 में भी हम 5 4 से गुणा करेंगे, 4 कट जाएगा, 5 3 15 आएगा। और नीचे यदि हम देखें एक में भी हमें गुणा करना होगा 5 4 से, तो यहाँ कुछ भी नहीं कटेगा, 4 5 6 20 आएगा। माइनस यहाँ पे भी आप 5 4 से गुणा करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जब आप गुणा करेंगे तो 12/5 * 3/4 में 5 4 से गुणा करें तो 5 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 12 3 36 यहाँ पे प्राप्त होगा। और बाकी जो था टेन इनवर्स 63/16 इसे आप केवल लिखते चलेंगे। तो देखिए पाई प्लस यहाँ पे टेन इनवर्स, देखिए यहाँ टोटल करेंगे 63 हो गया, यहाँ पे घटाएंगे माइनस के 16 आ गए, यहाँ माइनस के 16 आ गए, और यहाँ पे टेन इनवर्स 63/16 लिखा। अब यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे पाई, देखिए टेन इनवर्स माइनस थीटा, देखिए यहाँ पे एक फार्मूला, यदि हम देखें टेन इनवर्स यदि माइनस थीटा होता है तो यहाँ पे आप माइनस चिन्ह आगे भी लिख सकते हैं, तो माइनस टेन इनवर्स थीटा बन जाता है। तो यह फार्मूला यहाँ पे हम लगा रहे हैं, मतलब माइनस का यदि थीटा है तो उसको माइनस को आगे लिख सकते हैं आप, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह को यदि आप आगे लिख देते हैं तो ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पे एक संख्या धन की और ऋण की बन जाएगी, मतलब यह संख्या कट जाएगी, तो केवल आपको पाई आंसर प्राप्त हो जाएगा। और पाई जो आया है यही तो हमारा RHS के बराबर आ चुका है। तो देखिए हमने LHS साइड ली और RHS के बराबर सिद्ध कर दिया, और यही हमारा सवाल जो है सिद्ध हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं, 12वां सवाल है, टेन इनवर्स ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स बटे बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स को सरल कीजिए या सरलतम रूप में लिखिए, ए बटे बी टेन एक्स का मान -1 से बड़ा है। तो देखिए हमें इसे सरल करना है इस सवाल को, तो देखिए कैसे हम सरल करेंगे, यहाँ पे ए बटे बी टेन एक्स दिख रहा है, मतलब ए बटे बी टेन एक्स कहीं ना कहीं बनता होगा। तो देखिए यदि हम बात करें, पहली शर्त है यहाँ पे ए बटे बी बनाना है, और ए बटे बी कब बनेगा, जब ए में आप बी से भाग करेंगे, तो यहाँ अंश और हर के प्रत्येक स्टेप में हमें बी से भाग तो देना पड़ेगा, एक तो बी से भाग देना है,
टेन एक्स भी हमें बनाना है। टेन एक्स कब बनता है? साइन में कॉस से भाग दे दिया जाए तब टेन एक्स बनता है, तो कॉस से भाग भी देना पड़ेगा। मतलब सीधी सी बात है, हमें बी कॉस एक्स से भाग देना पड़ेगा अंश और हर में। तो देखिए, यदि हम अंश और हर में बी कॉस एक्स से भाग देते हैं तो देखिए टेन इनवर्स, देखिए यहाँ पे ए कॉस एक्स है, अब हम भाग दे रहे हैं बी कॉस एक्स से अंश के स्टेप में, और यहाँ माइनस चिन्ह, देखिए यहाँ पे है बी साइन एक्स, लेकिन अब हम भाग दे रहे हैं बी कॉस एक्स से, और यहाँ पे फिर बटे में यदि हम देखें बी कॉस एक्स है और हम भाग दे रहे हैं बी कॉस एक्स से ही भाग दे रहे हैं, प्लस ए साइन एक्स है और हम भाग दे रहे हैं बी कॉस एक्स से। बी कॉस एक्स से क्यों दिया गया है भाग? हमने बताया क्योंकि ए बटे बी चाहिए, जब ए में बी से भाग देंगे तब ए बटे बी आएगा, और टेन चाहिए मतलब आपको कॉस से भाग देना ही पड़ेगा। और देखिए यदि आप और आगे करते जाते हैं तो टेन इनवर्स, देखिए यहाँ कॉस एक्स कट जाएगा, ए बटे बी आएगा, और यहाँ पे माइनस बी से बी काट दें, साइन बटे कॉस बन जाएगा यहाँ पे टेन एक्स, यहाँ पे देखें बी कॉस एक्स कट जाएगा, एक आ जाएगा, प्लस यहाँ पे ए बटे बी भी बचा होगा, साइन बटे कॉस मतलब यहाँ पे टेन एक्स भी बच जाएगा। अब देखिए यदि हम एक फार्मूला की बात करें, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई वाला एक फार्मूला होता है। टेन इनवर्स यहाँ पे होता है एक्स माइनस वाई बटे वन प्लस एक्स इंटू वाई। तो देखिए बिल्कुल यही स्थिति यहाँ पे बनी है, एक्स समझ लीजिए ए बटे बी है, वाई समझ लीजिए टेन एक्स है, और एक है आपके पास एक्स मतलब ए बटे बी है, वाई मतलब टेन एक्स है। तो देखिए यहाँ पे जो फार्मूला बना है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई का बना है, तो टेन इनवर्स एक्स का मतलब होगा ए बटे बी माइनस, और टेन इनवर्स यहाँ पे टेन इनवर्स वाई, वाई का मतलब हो जाएगा यहाँ पे टेन एक्स। तो यहाँ पे इस प्रकार से टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का यहाँ फार्मूला बन जाता है। तो देखिए पीछे आप फार्मूला भी लिख देते हैं कि किस फार्मूला के द्वारा यह आ चुका है। अब और आगे यदि आप सॉल्व करेंगे तो टेन इनवर्स ए बटे बी, इसे तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन टेन इनवर्स से टेन जरूर आप काट सकते हैं, तो यहाँ पे बचा होगा एक्स। अब इसके आगे आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, इस वजह से यही हमारा आंसर हो जाएगा, तो यही हमारा सरलतम रूप होगा। देखिए अगला उदाहरण 13वां देखते हैं। टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x बराबर पाई बटे 4 हमें दिया गया है, इसे सरल करना है। तो देखिए यहाँ तो दोनों पक्ष हमें एक साथ लेने होंगे, जब भी दो पक्ष दिए गए हों बराबर और कहा जाए सरल करना है, मतलब x का मान आपको निकालने के लिए कहा गया होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x बराबर है पाई बटे 4। देखिए अब पूरे दोनों पक्षों को एक साथ हमें हल करना होगा, तो इन दोनों टेनों को जोड़ना होगा। देखिए दोनों टेनों को जोड़ते हैं तो हमें पता है, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का जो फार्मूला होता है क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई होता है। देखिए यहाँ पाई प्लस क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए एक्स का मान यहाँ पे हमें पता नहीं है कि एक्स का मान क्या होगा, इस आधार पे हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक्स वाई का गुणनफल एक से बड़ा होगा या एक से छोटा होगा, तो यहाँ एक से छोटा है ही मान के चलें और उस हिसाब से आप फार्मूला लगाएं। तो देखिए यहाँ पे टेन इनवर्स यदि आप फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई आएगा, और वाई का मान कितना है 3x, और एक्स का मान कितना है 2x, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई आएगा और बटे वन माइनस एक्स इंटू वाई आएगा, तो यहाँ एक्स इंटू वाई कोष्टक बना के हमने लिखा, यहाँ पाई बटे 4 लिखा। फिर अब देखिए आपको पता है टेन को यदि आप उस तरफ ले जाते हैं टेन इनवर्स को, तो उस तरफ केवल टेन बन जाता है मतलब इनवर्स हट जाता है, और यहाँ भी यदि इसे सॉल्व करेंगे तो 3 2 5x होगा, यहाँ पे एक माइनस और 3 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x वर्ग। अब देखिए यहाँ पे 5x बटे 1 माइनस 6x वर्ग है, और टेन 45 का मान कितना होता है 1, यदि आप यहाँ से तिर्यक गुणा कर दें तो 5x बराबर 1 माइनस 6x वर्ग मिलेगा, और यहाँ से देखिए यदि आप सबको एक तरफ कर देते हैं तो 6x वर्ग धन के हो जाएंगे, 5x धन के हैं लेकिन एक ऋण का होगा बराबर 0। अब इसके बाद आपको दो गुणनखंड निकालने होंगे, तो यहाँ पे यदि आप देखें 1 का 6 से गुणा करेंगे, 6 एकम 6,
और 6 एकम 6 में यदि हम गुणनखंड तोड़ते हैं, देखिए 2 और 3 में गुणनखंड आप नहीं तोड़ सकते क्योंकि -6 इनका गुणनफल हो रहा है, तो इस वजह से -6 गुणनफल तभी मिलेगा जब हम जो है एक धन की लेते हैं, एक ऋण की संख्या लेते हैं, दोनों धन धन की ऋण ऋण की लेके आंसर आप नहीं ला सकते। तो यहाँ 6 और 1 में यदि आप गुणनखंड तोड़ते हैं तो 6x² + 6x - 1 = 0, यहां से 6x कॉमन निकालेंगे तो x + 1 आएगा, यहाँ पे -1 कॉमन निकालेंगे तो x + 1 आएगा बराबर 0 चल रहा है, मतलब एक तो गुणनखंड आएगा 6x - 1 और दूसरा गुणनखंड x + 1 आएगा बराबर 0। तो इसके हमने दो गुणनखंड कर दिए हैं, एक गुणनखंड हो गया 6x - 1 और दूसरा गुणनखंड हो गया x + 1 = 0। अब हम क्या करते हैं, पहले गुणनखंड को भी 0 के बराबर लेते हैं, दूसरे गुणनखंड को भी 0 के बराबर लेते हैं, तो इसलिए x का जो मान होगा यहां से देखिए, यदि 6x - 1 = 0 लेंगे तो x का मान 1/6 आएगा, या फिर यहाँ पे x + 1 = 0 लेते हैं तो x बराबर फिर कितना आएगा, यहाँ पे -1 आएगा। और देखिए यहाँ पे जो x बराबर -1 आ रहा है यह हम कहेंगे मान्य नहीं है। क्यों मान्य नहीं है, यदि आप -1 यहाँ पे रखते हैं तो -2 होगा और यहाँ पे होगा -3, तो यहाँ पे -1 और -1 यदि आप यहाँ पे रखते हैं तो बन रहा है tan-1 - 2 और tan-1 - 3, और यहाँ पे जो हमने फार्मूला लगाया है tan-1 x + y का, यहाँ पे जो एक्स वाई होने चाहिए वो ध्यान रखना धनात्मक होने चाहिए, तो यहाँ ऋणात्मक आ जाते हैं, तो इस वजह से हम कह सकते हैं यहाँ बायां पक्ष ऋणात्मक हो जाता है x = -1 के लिए। तो देखिए हमने लिखा है x = -1 मान्य नहीं है क्योंकि इसे रखने पर बायां पक्ष ऋणात्मक हो जाता है, तो इस वजह से बचा होगा x का मान 1/6, यही हमारे समीकरण का अभीष्ट हल होगा। तो हम लास्ट में लिखेंगे, अतः x = 1/6 दिए गए समीकरण का अभीष्ट हल है। तो इस प्रकार से हमारे सभी उदाहरण कंप्लीट हो जाते हैं और हमारा अध्याय 2 कंप्लीट हो जाता है। आगे के वीडियो में हम आगे का अध्याय शुरू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।